नीतू तुम्हें कुछ दिख रहा है? आओ अपने ग्लासेस में आओ, यहाँ यहाँ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे। कैसे हैं आप नीतू जी? बैठो बैठो। आपको आपके हस्बैंड्स को खुश रखना है तो उनके लिए पहले तो आप लोग अच्छा फर्स्ट क्लास खाना बनाइए। हाँ, उसके अच्छा पहले मैं बता दूं कि प्रॉब्लम मेरे खाने में नहीं, तुम्हारे टेस्ट में है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है तुमसे शादी जो की है, क्योंकि लो कार्ब्स डाइट किया करो। बस एक एक निवाला, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा खाना खा के मैं मोटा हो रहा हूँ। नहीं अच्छा ठीक, घर ले जाएंगे। ये किसका था? ये नीतू, 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 डाइटिंग चल रही है, डाइटिंग चल रही है मेरी। अच्छा है, अच्छा है। मैं बजाता हूँ गिटार, गिटार बजाता हूँ और मैं कारपेंट्री का भी काम करता हूँ। जब चीज़ें घर पे टूटती हैं जो मेरी बीवी तोड़ती रहती हैं, इनको एक्चुअली पलंग तोड़ना बहुत पसंद आता है संजू, तो इसलिए मैं वो फिक्स कर लेता हूँ। वो उनकी याददाश्त खो गई है ना, पागल हो गए हो? बोरी में कोई पैसे रखता है? बोरी कोई उठा के ले गया तुम, हम क्या? अच्छा वैसे अगर मैं कैसे चलाऊंगी? बोरी में रखे हैं तो हम यहाँ ढूंढ सकते हैं। आइए यहाँ पे रखते हैं ऐसे, इसमें से पैसे निकालने हैं और 30 सेकेंड है उनके पास, वैसे सारे निकाल दो उसमें से। मेरे कॉलोनी में ना बहुत फैशन शो होती थी लोहड़ी में हर साल। मैं सब मिस स्टाइल नंबर 1 आती थी कंपटीशन में, पर मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें ग्रूम कर दूंगी। कभी मत जाना, कभी मत, पत्थर पड़ेंगे रास्तों पे, सड़कों पे, आ जाओ बैठो। वही पत्थर में उठा उठा के लगा, आ जाओ आ जाओ। हाँ बताए, एक्चुअली मैं जज करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि लड़कियों को क्या नहीं पहनना चाहिए, जो यहाँ जिसका नमूना यहाँ बैठा है मेरे पास, तो मैं बताऊंगा, मैं जज करूंगा। आइए। राइट, प्रॉप्स की फैशनेबल यू नो जो सेंस है उन तक पहुंच पाते हैं कि नहीं ये लोग? यू हैव वैसे काफी टफ कॉम्पिटिशन है, दोनों दोनों नीतू दिख रही है। शादी तुम्हारी मुझे बस बस आगे भेजा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस फिल्म में ये चावल बहुत खाती है तो इसलिए हमने ये प्रमोशनल कैंपेन रखा। एंड इट वाज आई थिंक एप्ट कि समथिंग इज कुकिंग, और ये एक इवेंचुअली फिल्म में क्या पक रहा है वो आपको गेस करना पड़ेगा, जब आप फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा। इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है इस तरह तो हमें तो बहुत मजा आया। एंड हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि मैं फिल्म में खाना पकाती रहती हूँ तो मैंने कहा कि आप सबको भी खिला दूँ। रॉ राइस पर व्हाट द हेल, फ्राइड राइस। जब मैंने पकाती हूँ ना, मुझे पकाती है, फ्राई करती हूँ तभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। पर ऑल्सो हाउजी इज ऑल अबाउट नंबर्स, और हम पैसों के बारे में बहुत चर्चा होती है इस फिल्म में, तो हाउजी खेला हमने। फिल्म में मेरे ख्याल से आप एक पंजाबी लेडी का किरदार अदा कर रहे, लेकिन आप राइस पका रहे घर में मद्रासी जैसे। पकड़ लिया, पकड़ लिया। क्या है ना, रेनड्रॉप वाले रोज घर पे राइस भेजते हैं तो जैसे मैंने कहा मुफ्त में जब मिलता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अगर वो मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे ना तो कुछ और खाना पड़ेगा। हर घर की यही कहानी। नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ। जो जो कमी मुझे, जहां मैं डोमिनेट नहीं कर पाती फिर स्क्रीन पे आके मैं वो कर लेती हूँ। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली देन दैट इज द कॉमेडी, जो मुझे बहुत 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 फनी लगी। एंड आई थिंक रियली, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव डन दिस इवेंट, क्योंकि इट्स अ फन इवेंट, इट्स एन एंटरटेनिंग इवेंट।
मैं बस रिक्वेस्ट, प्लीज फोटो आपके लिए आ जाइए। का ये तो आइटम सॉन्ग बना दे ऑलवेज सराउंडेड।